और भी चीजें हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला जी ने बोला था 2014 में कि भाई अब आप 2019 नहीं 2024 की सोचिए, तो हो सकता है अंदर ही अंदर ये 2024 नहीं बल्कि 2029 के इलेक्शन की परिचर्चा के लिए इन लोगों ने, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई 2024 तो लगता है दूर की कौड़ी है, अब 2029 में हम लोग कैसे करेंगे। एके मिश्रा जी, आपसे समझते हुए अमित शाह तो इसे फोटो सेशन करार दे रहे हैं जो पटना में बैठक चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष की बैठक कितनी सफल हो पाएगी, जिस मुहिम के साथ विपक्ष आगे बढ़ रहा है 2024 तक ये पूरा हो पाएगा या नहीं? क्योंकि बड़ा सवाल यही रहता है कि जितने दल हैं उनके बड़े चेहरे हैं वो खुद को पीएम पद के दावेदार के तौर पर मानकर चलते हैं। देखिए, बड़े निर्णायक मोड़ पे पूरी चीजें आ गई हैं और विपक्ष के लिए भी ये एक मौका है, चुनाव आने वाला है। इस मीटिंग से दो तीन चीजें बड़ी क्लियर है पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों के लिए, एकदम क्लियर मैं बताऊंगा। विपक्ष ने ये मान लिया है कि अकेले मोदी के टक्कर का उनके पास कोई नेता नहीं है। विपक्ष ने ये भी मान लिया है कि पार्टी वर्सेस पार्टी की लड़ाई में अकेले बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई इकलौती पार्टी ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। विपक्ष के पिछले 10 सालों के अपने अनुभव रहे हैं और नाना प्रकार के विपक्ष वाले जो आरोप लगाते रहते हैं ईडी सीबीआई वगैरह की, उसका भी उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उनकी तड़पड़ाहट यहाँ साफ दिख रही है। हालांकि मेरी शुभकामनाएं हैं, मुझे ये लगता है कि इस पार्टी की जो मीटिंग हो रही है, विपक्ष की मीटिंग हो रही है, तो सबसे बड़ी चुनौती इनको इंटरनल है कि जो इंटरनल मतभेद है उसको कैसे दूर किया जाए, सारे समीकरण को कैसे लिया जाए, क्योंकि इतने ज्यादा मतभेद है कि एक किसी कॉमन लाइन पे आना या कोई फार्मूला बनाना, अभी तक कोई फार्मूला आया नहीं है। यहाँ पे मुद्दा यह है कि बीजेपी को हटाना है, यही केवल एक फार्मूला दिख रहा है। अगर केवल यही एक फार्मूला दिख रहा है तो फिर जनता तो इसमें है ही नहीं। आप जनता के पास महंगाई का मुद्दा लेके जाएंगे, बेरोजगारी का, कि बीजेपी को हटाओ, तो इनकी कैंपेन बहुत कमजोर हो जाएगी। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला जी ने बोला था 2014 में कि भाई अब आप 2019 नहीं 2024 की सोचिए, तो हो सकता है अंदर ही अंदर ये 2024 नहीं बल्कि 2029 के इलेक्शन की परिचर्चा के लिए इन लोगों ने, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई 2024 तो लगता है दूर की कौड़ी है, अब 2029 में हम लोग कैसे करेंगे। इतनी बड़ी जो ये मीटिंग हो रही है उससे साफ है कि विपक्ष के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है और वो ये मान गए हैं कि बीजेपी और उनकी एलाइज को हटाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आसान रहा होता तो कोई भी पार्टी हटा सकती थी, बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं। तो मैं समझता हूँ पहले तो मुझे यही देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विपक्ष कौन से कॉमन एजेंडे पे सारे लोग एक होते हैं, अदरवाइज फिर ये 2029 का सोचना ये शुरू कर दे, 2024 के बारे में बंद कर दे। बिल्कुल। हाँ, बार बार जब जगनारायण जी से जब मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आपका एजेंडे, मिश्रा जी फाइनल कॉमेंट्स इस बैठक को लेकर 2024 से इसको रिलेट करके। देखिए, जैसा जयनारायण की और विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं इस लेवल पे इस मीटिंग को सक्सेसफुल मान सकता हूं कि शायद पहली बार सारे विपक्ष के बड़े बड़े कद्दावर नेता एक जगह मिले हैं, ये नीतीश कुमार की पर्सनल पॉलिटिक्स का सक्सेस हो सकता है। लेकिन इसके बाद के जो असली राहें हैं जिसमें चुनौती है, क्या उसको भी ये लोग सॉल्व कर पाएंगे और फिर इम्प्लीमेंट कब करेंगे? मेरे ख्याल से ये बहुत देर हो चुका है चीजों को इम्प्लीमेंट करना, वोटर्स को गैदर करना एक जगह एक आइडियोलॉजी के अंदर टिपिकल टास्क होता है। इसलिए मैं अभी भी मानता हूँ कि चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है और थोड़ा संभल करके जल्दी जल्दी करें जो इंतजार भविष्य